हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रोविजन स्टोर पर चोरों ने मारी सेंध, करीब 20,000 की नकदी व सामान पर किया हाथ साफ। अम्बाजी चौराहे के समीप स्थित एक प्रोविजन स्टोर में चोरों ने फन का कमाल दिखा दिया। प्रोविजन स्टोर में पीछे का दरवाजा तोड़कर सेंध मार दी, करीब 20,000 की नकदी व सामान पर हाथ साफ कर दिया। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत दोपहर 12 बजे बाजार में दुकानों के शटर डाउन हो जाते हैं, बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है, अति आवश्यक कार्य से ही लोगों की आवाजाही रहती है, इसी का चोर फायदा उठाने लगे हैं। इसी के बानगी अम्बाजी चौराहे के पास देखने को मिली, जहां अज्ञात चोरों ने अशोक बंसल के प्रोविजन स्टोर में सेंध मार दी, दुकान के पीछे गली में लगा दरवाजा तोड़कर दुकान में प्रवेश किया। चोरों ने दुकान में रखी 20,000 की नकदी व सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस पर दुकानदार की ओर से शहर पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल चोरी की वारदात ने बाजार में खाकी की गश्त व पुलिस की तैनाती को आईना दिखा दिया है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए अशोक बंसल दुकान मालिक आबरोड, इन्होंने ये कहा, पीछे से दरवाजे को तोड़ करके अंदर घुसे, उसके बाद में फिर ये इन्होंने इधर से ये खोली कुंडी, इसके बाद में यहाँ तक आने के बाद में एक 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 डब्बे फैलाएंगे, तो जो भी था इनके हाथ लगा वो सब घरों को लेके गए। मेरे पुराने टाइम का वो चूल्हा था, मतलब नाश्ते की दुकान करी थी, उसका चूल्हा, कढ़ाई, झारे और तराजू, बाट, पुराने पैसे, मदर के हाथ के पैसे रखे हुए थे, कुछ मेरा हाथ का वह कलेक्शन था, वो सब लेके चले गए। जागरूक टीवी की आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।